गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था स्टरलाइजेशन का चैप्टर। ठीक है, स्टरलाइजेशन में हमने पढ़ लिया था, जैसे हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा था, डेफिनेशंस देखी थी, देन क्लासिफिकेशन में हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और कल हमने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का पार्ट कंप्लीट किया था, टिंडलाइजेशन एंड पॉस्चराइजेशन की मेथड कंप्लीट की थी। आज हम देखने वाले हैं थर्ड स्टरलाइजेशन को, सेकेंड टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन जो है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन स्टरलाइजेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा मैकेनिकल स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन मीन्स आपको यहाँ पे उसके नेम में ही दिख रहा है, रेडिएशन मीन्स क्या होगा, जो भी स्टरलाइजेशन होगा बाय यूज ऑफ रेडिएशन होगा। ठीक है, तो अब उसमें भी दो टाइप्स है, स्टरलाइजेशन बाय यूवी रेडिएशन या फिर स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन बाहर बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं स्टरलाइजेशन बाय यूवी रेडिएशन। ओके, तो यूवी रेज आपको सबको पता है, सन से जो भी सनलाइट से जो भी रेज आते हैं उसे यूवी रेज कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो जो रहते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ में आते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट रहता है वो बहुत कम हो जाता है, तो एट दैट कंडीशन वो हमें यूजफुल नहीं रह पाते। ठीक है, तो अब जो भी यूजफुल नहीं रह पाती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर से उसके यूवी लाइट्स लेने पड़ते हैं। तो वो कैसे किया जाता है स्टरलाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट सनलाइट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। डायरेक्ट सनलाइट क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करता है किसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, यूवी लाइट प्रेजेंट है। ओके, यूवी लाइट प्रेजेंट होने की वजह से डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है। लेकिन द यूवी लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज डिस्ट्रक्शन, मींस वो क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, किस कहां पर, बाय द एटमॉस्फेयर। वो क्या होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव रहती है, सॉरी यार डिस्ट्रक्शन नहीं है, डिस्ट्रक्टिव इज मोर डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत उसमें कैपेसिटी रहती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह सेल के साथ स्पोर्स के साथ पूरी तरह रप्चर कर दे। ठीक है, डिस्ट्रक्ट कर दे, लेकिन वो जो डिस्ट्रक्टिव रहती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आते आते ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिर आपको अर्थ पे कहाँ से मिलेगी, अर्थ पे यूवी लाइट का वो जो भी इफेक्ट रहता है वो नहीं, लेकिन जो भी लॉन्गर वेवलेंथ की यूवी लाइट अर्थ पे आती है, दिस इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। क्या रहता है, दिस इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव नेचर वाली रहती है वो तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो अर्थ तक आती है वो क्या रहती है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली, और वो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली रहती है वो हार्मफुल रहती है हमारे लिए। ओके, ठीक है, देन नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मैक्सिमम एट 265 नैनोमीटर, और उसकी जो भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है वो कम मैक्सिमम रहती है एट 265 नैनोमीटर के, इस पर वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ओके, देन यूवी रेज फॉर स्टरलाइजेशन इज प्रोड्यूस, यूवी रेज बाय स्टरलाइजेशन कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, बाय पासिंग, कहां से पास किया जाएगा, बाय पासिंग अ लो करंट, बाय पासिंग अ लो करंट एट हाई वोल्टेज थ्रू मर्क्यूरी वेपर का जो भी ग्लास रहेगा उसमें से लो करंट पास किया जाएगा एट द हाई वोल्टेज, तो वैसे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, यूवी लाइट। कैसे कहा मैंने, पासिंग अ लो करंट एट अ हाई वोल्टेज थ्रू मर्क्यूरी वेपर ग्लास, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, यूवी लाइट। ठीक है, देन अब उसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन में आएगा, एप्लीकेशन मींस यूजेस, एप्लीकेशन में आएगा, इट इज प्रिपेयरिंग असेप्टिक रूम, असेप्टिक रूम के लिए उसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे प्रिपेयरिंग फॉर असेप्टिक रूम फॉर द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में असेप्टिक एरिया प्रिपेयर किया जाता है ताकि वहां पर स्टरलाइजेशन प्रॉपरली किया जाए, तो जो असेप्टिक एरिया प्रिपेयर होगा वो यूवी लाइट की वजह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह स्टरलाइज हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर भी किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, थर्मोलेबाइल मींस क्या होगा, हीट सेंसिटिव, जो भी हीट सेंसिटिव रहेंगे वो सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, यूवी रेज से डायरेक्टली स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हॉट एयर ओवन और मॉइस्ट एयर जो स्टरलाइजेशन रहेगा उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है वो प्रोडक्ट, तो हम उसे क्या करेंगे, थर्मोलेबल सब्सटेंस को यूवी रेज से भी स्टरलाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, वर्किंग टेबल्स एंड रूम्स वगैरह, जो भी वर्किंग एरिया रहेगा आपका, वर्किंग टेबल रहेगा, उसे भी यूवी लाइट से स्टरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब इसका डिसएडवांटेज रहेगा, लेस पेनिट्रेटिंग पावर है उसमें, क्यों, क्योंकि वो लेस पेनिट्रेबल है, उसमें कैपेसिटी कम है माइक्रोब्स को किल करने की। देन इट इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली लेस पेनिट्रेशन पावर है तो ऑब्वियसली लेस इफेक्टिव रहेगी। देन रेगुलर क्लीनिंग वहां पर बहुत जरूरी है, आपको रेगुलर क्लीनिंग करती रहनी पड़ेगी। एंड देन हार्मफुल फॉर द वर्कर्स, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए लेस इफेक्टिव है बट जो वर्कर्स वहां पर काम करेंगे उनके लिए वो क्या है,
हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन मींस स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो उसमें दो रेज आते हैं, एक्स रेज एंड गामा रेज। ओके, तो एक्स रेज एंड गामा रेज आते हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? इट इज प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स। डायरेक्टली चार्ज पार्टिकल्स से उसे क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, देन इट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्टॉपिंग रिप्रोडक्शन। वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करेगा? बाय स्टॉपिंग देयर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टॉप मींस बनेगा ही नहीं, तो आपके उसका आगे जो उसका म्यूटेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वही स्टॉप हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? लीथल म्यूटेशन। मींस म्यूटेशन के स्टेज पे आकर उसे लीथली पूरी तरह डेड किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? लीथल म्यूटेशन। ओके, देन नेक्स्ट गामा रेज आर ऑब्टेन्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो गामा रेज रहेंगे वो कैसे आपको प्रिपेयर करेंगे आप? रेडियो एक्टिव आइसोटोप से वो प्रिपेयर किए जाएंगे। एंड देन ऑफ कोबाल्ट 60 एंड सेसियम 127। कोबाल्ट 60 और सेसियम 127 से उसे प्रिपेयर किया जाएगा आइसोटोप से। ओके, देन इट इज मोर इफेक्टिव देन द यूवी लाइट, ऑब्वियसली क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो वो मोर इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। देन अब देखेंगे उसका एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में क्या आएगा? इट हैज हाई पेनिट्रेशन पावर ऑब्वियसली। देन टेम्परेचर इज निग्लिजिबल। टेम्परेचर राइज जो होता है यूवी लाइट्स में वो ज्यादा होता है, इसमें क्या रहेगा? वो निग्लिजिबल रहेगा, टेम्परेचर कोई भी राइज नहीं होगा। देन रिलायबल है, वो रिलायबल यूज के लिए रहेगा, मैं रिलायबल प्रोसेस रहेगी। देन उसका डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा? प्लांट इज कॉस्टली। अगर वो हाई पेनिट्रेशन पावर दे रहा है, रिलायबल है, तो ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली। देन प्रोसेस कांट स्टॉप वंस स्टार्ट। प्रोसेस को आप एक बार अगर आपने स्टार्ट किया तो आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली जो भी यूवी रेज की जो भी गामा रेज है उन्हें स्टॉप या स्विच ऑफ नहीं कर सकते। वो एक बार पास किए गए तो वो कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, ठीक है। देन इट इज हार्मफुल फॉर वर्कर्स। ऑब्वियसली अगर हाई रेडिएशन पावर है तो हार्मफुल फॉर वर्कर्स भी रहेगा। देन इसका एप्लीकेशन मींस यूजेस, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा? प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करने के लिए, देन ब्लेड्स ड्रेसिंग्स के लिए, देन अगेन बोन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के जो भी रखा जाता है उसे भी उससे क्या किया जाएगा? स्टरलाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली बॉडी में अफेक्ट करेगा। ओके, देन इट इज यूजफुल फॉर थर्मोलेबल मेडिकामेंट्स। थर्मोलेबल मीन्स हीट सेंसिटिव मेडिकामेंट्स के लिए भी क्या किया जाएगा? उसे यूजफुल होता है वो। ओके, तो आज हमने पढ़ लिया स्टरलाइजेशन बाय यूवी रेडिएशन एंड स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, थैंक यू।